खबर सहारनपुर से है, जहां चिकित्सक को धमकी भरे पत्र देकर फिरौती मांगते हुए पुलिस की टीम पर फायरिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि चिकित्सक से फिरौती भरा पत्र देकर फिरौती मांगी जा रही थी, जिसके बाद पुलिस तक ये बात गई और पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 24 तारीख को थाना नकुल पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जो एक चिट्ठी के जरिए फिरौती और जान से मारने की धमकी के संबंध में था। ये जो पंजीकृत जिन्होंने करवाया वो एक लेडी डॉक्टर है, सोनावती हॉस्पिटल है उनका, था नपुर तहसील में। उन्होंने ये बताया कि 19 तारीख को सबसे पहले उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें कि उनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई, अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई। और ये जो पत्र प्रेषित हुआ था ये नकुर के पोस्ट ऑफिस से ही हुआ था। इसके बाद पुलिस जब जांच में जुटी, एक उसके कुछ दिनों बाद दोबारा एक पत्र प्राप्त हुआ, जो कि सहारनपुर से जो है अभियुक्त ने पोस्ट किया था। सीसीटीवी कैमरे भी चेक कराए और वादिया की तहरीर पर जो है मुकदमा भी थाना नकुर पर पंजीकृत किया गया। इसके बाद जब कोई सीसीटीवी के जरिए लाभप्रद जानकारी ना प्राप्त हो पाई, तो उन्होंने जो जैसा जैसा पत्र में लिखा था कि अपने अगर आपको पैसे देने हैं तो अपने छत पर 3 से 4 तिरंगे लगा लीजिए, तो हमने उसी तरह से वादिया को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है अभियुक्त को ट्रैप करने के इरादे से तिरंगे लगवाए। और जैसा कि उसने बताया था कि पत्र में कि जो 10 लाख को एक लिफाफे में बंद करके एक स्थान पर उन्होंने बताया था कि रख दीजिएगा, तो पुलिस पहले से ही वहां पर तैनात थी। जैसे ही वहां पर अभियुक्त रात्रि में आया ट्रैप के जरिए, पुलिस ने उसे फिर पकड़ लिया।